हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोवेयर गाइस। कैप्टन मार्वल और एवेंजर्स एंड गेम के ट्रेलर के बाद फाइनली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर आ चुका है, जो कि बहुत ही मजेदार है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन दूंगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को इस ट्रेलर के सभी डिटेल्स और स्टार एक्स को एक्सप्लेन करने की। सो गाइस, बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें होमलेस सपोर्ट नाम के एक चैरिटी फंक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ आंटमैन और स्पाइडरमैन चैरिटी कलेक्ट करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक चेक के साथ हैप्पी की एंट्री होती है। तो गाइस, यहाँ ये होम सपोर्ट नाम का चैरिटी फंक्शन स्टार्क चैरिटी फाउंडेशन का ही एक हिस्सा है, और मैं ये ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ हमें हैप्पी को दिखाया जाता है, जो कि टोनी स्टार्क का पर्सनल बॉडीगार्ड है, और वो हाथ में जो चेक लिया होता है उस चेक में भी पेपर पोर्ट्स के सिग्नेचर है। नेक्स्ट शॉट में हमें पीटर पार्कर को यूरोप के लिए पैकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तो गाइस, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि पीटर पार्कर के सूटकेस में BFP लिखा होता है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये सूटकेस उसके अंकल बेन पार्कर का था। और यहाँ ये दिखाकर मार्वल इस कैरेक्टर को ट्रिब्यूट देता है। आगे हमें पीटर पार्कर को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वो यूरोप जा रहा है स्कूल ट्रिप में। नेक्स्ट शॉट में जब स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्विंग कर रहा होता है, वहीं उसके पीछे एवेंजर टावर दिखाया जाता है। पर जैसा कि हमें पता है कि एवेंजर टावर बिक चुका है, और ये टावर मोस्ट प्रोबेबली ऑस्कॉर्प ने खरीदा होगा, और वहीं वहाँ रेनोवेशन का काम करा रहे होंगे, जैसा कि हम इस शॉट में देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं पीटर पार्कर को पासपोर्ट ऑफिस में, जो कि वहाँ अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाता है। पर यहाँ हैरानी की बात यह है कि पीटर पार्कर के पासपोर्ट में डेट की जगह पर डे और मंथ तो सही है, पर वहाँ ईयर नहीं लिखा होता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि MCU यहाँ एंड गेम से रिलेटेड स्पॉइलर लीक करने वाले डिटेल्स को हाइड कर रहा है। नेक्स्ट शॉट में हमें आंट मे को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पीटर को अपना सूट पैक करने को कहती है, पर पीटर अपना सूट पैक नहीं करता और वो अपने सूट को यूरोप नहीं ले जाता है, ऐसा कहकर कि वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में जा रहा है। तो गाइस, इसीलिए स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लीक सेट फोटोज में स्पाइडरमैन अपने पुराने सूट में नहीं दिखता है। आगे हमें पीटर पार्कर को यूरोप में दिखाया जाता है, और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं पीटर पार्कर और मिशेल को साथ में, और यहाँ हमें इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन बिल्डअप होते हुए दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं निक फ्यूरी को, जो कि स्पाइडरमैन को हायर करता है एक मिशन के लिए। आगे हम पीटर पार्कर को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि निक फ्यूरी ने उनके स्कूल ट्रिप को हाईजैक कर लिया है। तो गाइस, यहाँ इस शॉट में हमें निक फ्यूरी के रोल के बारे में पता चलता है। गाइस, यहाँ निक फ्यूरी ऐसे मेंटर की तरह दिखेंगे और वो स्पाइडरमैन को हर मिशन में गाइड करते हुए नजर आएंगे, हूबहू स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी स्टार्क की तरह। नेक्स्ट कुछ सीन्स में हमें एलिमेंटल क्रिएचर्स को दिखाया जाता है, जहाँ स्पाइडरमैन उन सभी का सामना करता है। आगे हम देखते हैं जैक गिलहर के कैरेक्टर मिस्टीरियो को, जो कि स्पाइडरमैन की मदद करता है इन एलिमेंटल क्रिएचर्स को हराने में। गाइस, ये शॉट बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमें पहले से ही लगता था कि मिस्टीरियो ही इस मूवी का विलन है, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो गाइस, यहाँ दो बातें होने के चांसेस है, पर सबसे पहले हम जान लें कि एलिमेंटल क्रिएचर्स होते कौन है। गाइस, ये बेसिकली एक ग्रुप है कुछ इमोर्टल्स एक्स्ट्रा डायमेंशनल ह्यूमेनॉइड्स का, जिनके पास नेचुरल फोर्सेस कंट्रोल करने की पावर्स है, और इनके मेंबर्स हैं हाइड्रोन, जो कि पानी को कंट्रोल कर सकता है, मैग्नम, जो कि लैंड यानी अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, हेलफायर, जो कि फायर को कंट्रोल कर सकता है, और आखिर में जेफर, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है और वो विंड को कंट्रोल कर सकती है। सो गाइस, पहली चांसेस ये हो सकता है कि ये एलिमेंटल क्रिएचर्स इस मूवी के विलन हो, और मिस्टीरियो एक अच्छा कैरेक्टर हो जो कि स्पाइडरमैन की मदद करेगा। पर गाइस, इन शॉर्ट्स में मिस्टीरियो को इन एलिमेंटल क्रिएचर्स से लड़ने के मामले में एक्सपर्ट जैसा दिखाया गया है। तो गाइस, निक फ्यूरी ने इन क्रिएचर्स से लड़ने के लिए स्पाइडरमैन की जगह मिस्टीरियो को क्यों नहीं चुना? तो गाइस, एक बहुत बड़ा सवाल है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चांसेस की। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एलिमेंट क्रिएचर्स जैसा कुछ भी ना हो, जैसे मिस्टीरियो के इल्यूजन्स का पार्ट हो, और ये सब वो खुद ही क्रिएट करता होगा और इन्हें हराकर हीरो बनता होगा, और ऐसा ही कुछ हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं। खैर गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ क्विक शॉट्स दिखाया जाता है स्पाइडरमैन की रेड ब्लैक सूट का और उसके सिल्क सूट का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली निक फ्यूरी ने दिया होगा। और सबसे आखिर में हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है, जहां फ्लैश मिस्टीरियो को देखकर अपने सभी दोस्तों को कहता है कि मिस्टीरियो से आयरन मैन और थोर का कॉम्बिनेशन लग रहा है। सो गाइस, बस इतना ही, यही था ये ट्रेलर ब्रेकडाउन। गाइस, यहां एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड स्पॉइलर्स को हाइड किया गया है, और गाइस, यहां हमें टोनी स्टार्क के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। खैर, जैसा भी हो, इस ट्रेलर को देखकर ये बात पता लग गई है कि एवेंजर एंड गेम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि मुझसे कुछ मिस हुआ इस ट्रेलर से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे धमाकेदार कंटेंट के लिए नोवेयर को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, कैप्टन मार्वल की मूवी के बारे में एक मेजर स्पॉइलर जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कैप्टन मार्वल की ट्रेलर फिर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो देखें। गुड बाय।